वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, और उस दिन ही हम जरूर उनको विश करेंगे। नहीं, ये बात तो गलत है, मुसलमानों को वहाँ हकूक नहीं दिए जाते हैं। आप देखें, हर 6 माह बाद, साल बाद कोई ना कोई ऐसा वाक्य हमें देखने को मिलता है भारत में कि वहाँ मस्जिद शहीद कर दी गई। सारे मुसलमान इतना ही तंग है तो क्यों माइग्रेट करके यहाँ नहीं आए? हिंदुओं की पॉपुलेशन यहाँ से कम हुई, क्या मुसलमानों की वहाँ से कम हुई, बढ़ती जा रही है? लोगों ने इनको सेलिब्रेट करना है, वो हमसे आगे हैं। खान साहब को उन्होंने जेल के अंदर रखा हुआ है, मोदी आगे है, इस वक्त मोदी आगे, इसलिए लोग उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और खान साहब को मोदी ने जेल में रखा है, जहरी बात है। ये मोदी और मियां नवाज शरीफ की साजिशें चल रही हैं उधर लंदन में, इसलिए कि हमारे इमरान खान की कॉल जो बाइडेन अटेंड नहीं करते और उनके जो है ना उनसे मिलने आ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अपना नाम मनवाया तो इट्स मार्वेलस, स्प्लेंडेड, गॉर्जियस। क्या क्या हिंदुस्तान के बारे में कुछ जानती हैं? बिल्कुल, उनके बारे में कौन नहीं जानता। और जो मौजूद है नरेंद्र मोदी साहब, मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, वो वाहिद बंदे हैं। हाँ बिल्कुल, दिल जीत लिया है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो चांद पे पहुंच चुका है और हम अभी सड़क के खड्डों के दरमियान में हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो कि अभी जाने माने बहुत ज्यादा फेमस पर्सनालिटी बन चुके हैं, उनकी 2 दिन बाद 17 सितंबर को बर्थडे है। अब उस बर्थडे को सेलिब्रेट ना सिर्फ वो करेंगे बल्कि पूरी दुनिया अभी से करना शुरू कर दिया है, इस पर आप अपनी क्या राय रखेंगे? ये मैडम, पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त इंडिया का हीरो ही नहीं है, इस वक्त पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया उसकी चौखट पे आ चुकी है। उसको मुबारकबाद देते हैं, उसे अपने मफादात की नज़र रखते हैं। मफाद देखें ना, जहाँ पे MBS, जहाँ पे उम्मत मुस्लिमा का हीरो से समझा जाता है, हमारी मुकद्दस सरजमीन का वो हीरो है, ठीक है, जैसे मदीना मुनवरा सऊदी अरेबिया, ठीक है, तो वो वहाँ पे पहुँच के बड़े बड़े असाइनमेंट्स कर रहे हैं, बड़े बड़े इस वक्त बड़े एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद तुर्की का जो तैयब अर्दगान है, वहाँ पे जाके अपने मफादात की नज़र इंडिविजुअल नहीं कर रहे, इंडिविजुअलिटी की तरफ नहीं जा रहे, अपने अपने मुल्की मफाद की तरह के खातर वो जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक नरेंद्र मोदी की बर्थडे का बात कर रही हैं आप, तो भाई पूरी दुनिया उनको बर्थडे करेगी, उनको विश करेगी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे करेगी, केक भी काटेंगे भाई, इवन के वो केक भी काटेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इकोनॉमिकल कंडीशन जो इंडिया की है वो बहुत अच्छी है, बहुत आला है, बहुत आउटस्टैंडिंग है, और उन लोगों को हमेशा इज्जत मिलती है जो अपनी कौमों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी गरीब आवाम के लिए काम करते हैं, उनको इस दुनिया इज्जत देती है। बिल्कुल, ये बात से एग्री करती हूँ। आपने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है, इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है तो इंडियन से मोहब्बत करनी चाहिए पूरी दुनिया को। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इतनी इज्जत की जा रही है, बरक्स पिछले प्राइम मिनिस्टर की बात करें वो इतनी तवज्जो के हामिल नहीं थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आते ही दुनिया का दिल जीत लिया। हाँ बिल्कुल, दिल जीत लिया है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो चांद पे पहुंच चुका है और हम अभी सड़क के खड्डों के दरमियान में है। सड़क के खड्डे है ना, हम अभी उनमें अटके हुए हैं, अब हम अभी तक करप्शन के केसेस में फंसे हुए हैं, हम अभी तक लेन देन के मामलों में, वंड के सिलसिले में फंसे हुए हैं, हम अपने हिस्से की कोशिश में हैं, अब हम अभी तक हम अपने जो 1960-50 की जो दिहाई की जो सियासत बोलते हैं ना, हम अभी तक उसी में अटके हुए हैं। जब तक हम इन 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 खड्डों से, सियासी खड्डों से निकलेंगे नहीं ना, जब तक हम ये टोपी ड्रामों से और जब ये हम एहतसाब के कड़ी जो टोपी ड्रामे हैं इनसे अब जब तक हम निकलेंगे नहीं, उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। जब तक जजा और सजा का अंसर मुल्क में नहीं होगा, उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर सकते। और सजा का अंसर जो है वो सबके लिए इक्वल नहीं होगा, तब तक शायद हम कुछ ना कर पाए। जी, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो होता है वो बहुत बड़ा मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। हाँ वहाँ देखे ना, हमारे हमारे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु रेत के टीलों पे बैठ के वो फैसले किया करते थे, और ईरान और फारस के जो किंगरे होते थे, जो वो उनके बड़े बड़े इमारतें होती थी वो हिल जाया करती थी, उनके किरदार मजबूत हुआ करते थे। हमारे किरदार आजकल मजबूत नहीं है। मैं मानती हूँ इस बात को, आपने पहले कहा कि हम दुनिया पूरी उनका केक भी काटेगी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और उसके अलावा वैसे भी उनको विशेष देगी। क्या दुनिया के साथ हमें मिलना चाहिए, क्या हमें भी कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, या फिर आज भी नफरतों का बीज हमारे दिल में बोना चाहिए? मैडम, दुनिया से तो मिलने की दूर की बात, हम आपस में मिल बैठ के बात नहीं कर सकते, हम आपस में चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे साइन नहीं कर पा रहे, हम आपस में मामलात को हल नहीं कर पा रहे, जिस वजह से हम जलील हो रहे हैं, जिस वजह से हम टेंशन में है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना चीनी है, ना दाल है, ना आटा है, कुछ भी नहीं है अवाम के पास। और मैं ये समझता हूँ कि अवाम की इतनी हिम्मत है, इतने मसाइल के होते हुए वो जी रही है, सांस ले रही है, खुश हो रहे हैं, हाँ जी हैप्पी होते हैं, छोटे छोटे चटकलों पे, छोटे छोटे मजाया वो खुश हो जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम बड़ी भोली बस रही है, तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम की बड़ी हिम्मत है, बड़ा हौसला है कि वो जी रहे हैं, ठीक है।
फैजिया, बहुत अच्छा लगा, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। आपका नाम? आयशा। करती क्या है? मैं पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं, बिल्कुल सही। बहुत खूबसूरत लड़की हमारे साथ मौजूद है। भाई मुझे बताइएगा कि हिंदुस्तान के बारे में कुछ जानती हैं? बिल्कुल, उनके बारे में कौन नहीं जानता। और जो मौजूद है नरेंद्र मोदी साहब, मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वो वाहिद बंदे हैं अगर जिनको टाइम मिला है अपनी इकतदार में, और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह उसको अचीव किया है और अपने मुल्क को जो है अपने गरीब आवाम को बड़ा सहारा दिया। पॉपुलैरिटी इन पाकिस्तान, वाह भाई वाह। अच्छा मुझे बताइएगा आयशा कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 2 दिन बाद बर्थडे है, मतलब 17 सितंबर को। इतनी बड़ी बात नहीं है, सबके बर्थडे आती है, बट पूरी दुनिया विश कर रही है, पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, 2 दिन पहले से शुरू कर दिया है। भाई क्या रीजन है, दुनिया को उनमें क्या नजर आता है? भाई वो पर्सनैलिटी ही ऐसी है। आप ये देखें, जब उनको हीरो कह दिया है, उनको हीरो का टाइटल मिल चुका है, तो जो हीरो होते हैं उनके तो फिर महीने पहले से भी सेलिब्रेशन शुरू की जाए वो भी कम है। उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। आप उनके अगर इंडिया की बात करें, खाली उधर नहीं, इंटरनेशनली भी उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। आप ये अंदाजा लगाएं, वो किसी इवेंट पे जाएं या कोई उनको बुलाए, उससे पहले ही उनके लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो फिर तो इनके लिए बड़ा स्पेशल दिन है। और बाकी होता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और ये तो मुझे पता चल गया कि मुझे वैसे इतना आइडिया नहीं था कब है, मुझे था कि पता नहीं 1-2 दिन बाद है या 3 दिन बाद है, अब मुझे भी पता चल गया। तो उनके लिए मेरी तरफ से भी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, और उस दिन ही हम जरूर उनको विश करेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छी बात की है। और ये बात हमने तफड़के इस्लाम से साइड पे रखी किया, वरना हम हिंदू मुस्लिम ही करते रहते हैं। मुझे बताइएगा कि बिंगा पाकिस्तानी, क्या हमें उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? क्योंकि हमारे ऑफिशियल लेवल से देखें तो हमारे अंदर एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ दिया हुआ है। अगर हम अपनी जनरल पब्लिक की बात करें तो पब्लिक रिव्यूज मैं लेती हूँ, मतलब इतना ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं नजर आता जितना कि जज्बाती किया जाता है कश्मीर के नाम पे। क्या हमें हाथ मिलाना चाहिए उनसे? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलाना चाहिए। ये बीच में ना 2-3 ऐसे लोग होते हैं जो मिस क्रिएट करते हैं, वरना अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। हम उधर ही रह के आए हैं, वो हमारा हमसाया मुल्क है और वो हम में से ही है। तो आप अगर इस्लाम, अगर दीन को, हम उनमें से हैं, हम उनमें से हैं, हाँ हम उनमें से ही हैं। और अगर आप देखें, चले रिलीजन का भी एक अलग मैटर है, वो आपको किसी पे भी नहीं कहना चाहिए, ना उनको कहना चाहिए ना हमें कहना चाहिए। और एक उनकी बात बड़ी अच्छी लगी थी, जब कुरान पाक की बेहरमती की गई थी तो नरेंद्र मोदी साहब ने खुद कहा था कि हमें हक नहीं पहुँचता किसी के मजहब पे पॉइंट आउट करने का। तो रही बात हम उनके साथ ताल्लुकात बनाने की, वाकई उनके साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए कारोबारी लिहाज से, क्योंकि अभी वो पीक पे हैं, वो नंबर 1 पे जा रहे हैं। अगर उनके साथ हम अटैच हो जाते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अच्छा, एडवांस मतलब उनको जो है विशेस आ रही हैं? बिल्कुल, वीडियोस पड़े हैं, मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। अगर हम देखें कि जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, उनके बारे में इतनी बैड अजम्पशन थी और एक स्टीरियोटाइप से कि बुचर ऑफ गुजरात और ये वो जो है ना, वो एक ट्रेन आई थी अयोध्या से, पता नहीं कहाँ से, मंदिर से, तो जलाया गया और बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद नरेंद्र मोदी जैसे मतलब उन्होंने अपना नाम मनवाया तो इट्स मार्वेलस, स्प्लेंडेड, गॉर्जियस। क्या लगता है, दुनिया जैसे उनको सराहती है, पाकिस्तान उतना उनको गिराता है, क्यों भाई? पाकिस्तान वैसे नॉट ओनली जस्ट नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान इंडिया को भी उसका एक बैड इम्पैक्ट दिखाता है हमारे नेशनल मीडिया पे, और कश्मीर पॉलिसी वही चल रही है। और अगर रियलिस्टिकली देखा जाए, अनबायस होके, तो नरेंद्र मोदी इज रिकग्नाइज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड के हमारे इमरान खान की कॉल जो बाइडन अटेंड नहीं करते और उनके जो है ना उनसे मिलने आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, MBS हैं तो वो पाकिस्तान विजिट मेरे ख्याल में नहीं किया, और इंडिया 6 घंटे के लिए नहीं आए, ठीक है? ये देख लें कि आप उनकी वर्थ कहाँ पे है। और वैसे एज अ पर्सन देखा जाए तो पुटिन के साथ और बराक ओबामा कौन से थे, ट्रंप के साथ, जो बाइडन के साथ, उनकी जो एक पर्सनल इंट्रैक्शन होती है ना, एक वो भी मैटर करती है कि जैसे वो एक पर्सनल बॉन्ड बनाते हैं, उससे एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होता है, नंबर 1। वैसे अगर पर्सनैलिटी ट्रेड देखा जाए तो ही इज काइंड ऑफ अ लीडर जिसपे पूरे इंडियन कम्युनिटी को एक ट्रस्ट है। एक ये भी होता है कि आपका जो लीडर है, अगर आपको ये आइडिया हो कि वो अपना टाइम एक मतलब मुल्क की तरक्की के लिए लगा रहा है, तो सबके अंदर एक ऑप्टिमिज्म आ जाता है, स्पिरिट एंड कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार हम सब ने मिल के मुल्क के लिए अच्छा करना है। और देखा जाए तो अब वो भारत नहीं रहा। Yes, भारत has totally completely changed. कह सकते हैं वो इंडिया, अब वो भारत नहीं रहा, वो भारत बन गया, वो इंडिया नहीं रहा। इंडिया नहीं रहा, वो भारत बन गया, बिल्कुल। क्या लगता है कि हमें दुनिया के साथ चलना चाहिए, हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की खुशियों में खुश होके उनको ऐसा मतलब एक मैसेज देना चाहिए कि भाई हम आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, कैसा करना चाहिए? जब तक ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान वो जो वेंटिलेटर होता है ना, जो मतलब एक सर्जरी वाला वो होता है, पाकिस्तान उस पर रहेगा। जब तक इंडिया के साथ हम ट्रेड स्टार्ट नहीं करते, अच्छे ताल्लुकात नहीं होते, तो हम बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। अब म्यूजिक देख लें ना, बॉलीवुड इंडस्ट्री देख लें, हमारे जो म्यूजिशियन और आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, उनका हाल देख लें, उनको मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। माहिरा खान ने राइज की, और उसके बाद जो वो एक 2016 में मेरे ख्याल में प्रोपेगंडा हुआ और एक अटैक हो गया,
उसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई कि उन्होंने सोचा था कि मुझे इतने बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सेम इज द केस विद ट्रेड, कि अगर ट्रेड नहीं करते तो यहाँ पे इन्फ्लेशन हो जाता है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज की शॉर्टेज हो जाती है। मैं देख रही थी हमारे जो इस टाइम लॉलीवुड चल रहा था, उन्होंने कहा कि भाई एक एक्ट्रेस की नाम नहीं लूंगी, उन्होंने कहा कि भाई वल्गैरिटी फैलाना अब हमारा एक मजबूरी हो गई है, क्योंकि हमने अगर फेमस होना तो हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान नहीं दे रहा। जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियां लड़के हैं वो रुल रहे हैं जमीनों पर सड़कों पर। पाकिस्तान में चीप स्टंट्स करने पड़ते हैं, वो वकार जका देख लें कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो जैसे ही आप स्क्रीन से थोड़ा बहुत मंजर से गायब होते हैं तो आप स्टंट करते हैं, मे बी सम काइंड ऑफ लीक वीडियो या थोड़ा बहुत वल्गैरिटी, क्योंकि वो पाकिस्तानी सोसाइटी ऐसी है, इसमें मैं एक्ट्रेस को ब्लेम नहीं कर रहा, तो वो फिर थोड़ा स्क्रीन में आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे रियल वर्क का इतना वो अप्रिसिएशन होता नहीं है। बिल्कुल। एंड पे एक आखिरी सवाल, क्या कहेंगे उनकी बर्थडे पे आप? उनकी बर्थडे पे मैं बहुत बहुत उनको विशेस करूंगा, काश मैं उनको मिल पाता, ठीक है, क्योंकि ही इज माई मोस्ट फेवरेट लीडर, कि जिन्होंने एक, जैसे चाइना ने काफी सारे लोगों को गुर्बत से निकाला, जो बंदा इंसानियत का सोचता है तो उसकी मेरे दिल में बहुत जगह होती है। इंडिया का उसने मकाम काफ़ी आगे लेके गया, और वैसे वो बाकी कंट्रीज़ के साथ जिस तरह कनेक्टिविटी कर रहे हैं, अब रिसेंटली देख लें कि यूएई और इंडिया के दरमियान जो वो जा रहा है यूरोप तक रूट जा रहा है, सी रूट है, उसमें मेरे ख्याल में डिफरेंट केबल्स होंगी इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इनकी बात पे आप क्या जवाब देंगे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी डेफिनेटली, देखें नरेंद्र मोदी जो है वो इकोनॉमिकली बहुत आगे निकल चुका है, इस वक्त भारत जो है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे। G20 का जो इजलास हुआ है उसमें 20 कंट्री जो वहां पर बैठी हैं भारत में, तो वहां पर लोगों ने उनको सेलिब्रेट करना है, वो हमसे आगे हैं। खान साहब को उन्होंने जेल के अंदर रखा हुआ है, मोदी आ गया, इस वक्त मोदी आ गया, इसलिए लोग उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और खान साहब को मोदी ने जेल में रखा है, जहरी बात है, ये मोदी और मियां नवाज शरीफ की साजिशें चल रही हैं उधर लंदन में, इसलिए भाई मोदी को अपने मुल्क के अंदर डेवलपमेंट करनी है या फिर वो खान साहब के पीछे जेल के चक्कर लगाते फिरेंगे। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन जो अभी कह रहे हैं कि मोदी को जो लोग विश कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका इकोनॉमिकल स्टेटस ज्यादा है हमारे मुल्क की। बात तो पैसे वाले की इज्जत, आपके पास गाड़ी होगी तो आपकी हर कोई इज्जत करेगा, ये तो बात सच है। तो आप मुझे बताएं क्या पाकिस्तान की कोई इज्जत कभी करेगा इन फ्यूचर, क्योंकि हिस्ट्री तो कोई भी नहीं बता रही कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की कभी इतनी इज्जत की गई हो किसी मुल्क में। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर तो जाते हैं तो कपड़े उतरवा के चेकिंग की जाती है, लेकिन मोदी आए तो कारपेट बिछाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आप बात ठीक कह रही है कि जब मोदी आते हैं लोग उनको इज्जत देते हैं। जैसे G20 का इजलास हुआ वहाँ पर मोदी को उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ हाथ मिलाया, और मोदी आज भी ताकतवर है और नेक्स्ट टाइम भी वो ताकतवर है हमसे। क्या पाकिस्तान पर उनका गलबा चल सकता है? नहीं ऐसी बात नहीं, हमारी पाक फौज जो है वो बहुत हैवी है, इंशाल्लाह फ्यूचर में पाकिस्तान तरक्की करेगा। मोदी को जो लोग विश कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनका इकोनॉमिकली जो फौज से इकोनॉमी चलती है तकरीबन चला सकते हैं, लेकिन इस वक्त मुश्किल है। अच्छा मुझे ये बताओ बीका पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी क्या हमें उन्हें विश करना चाहिए, और क्या हमें उनकी पार्टिसिपेट खुशियों में करना चाहिए, और क्या उनसे हाथ मिला के हमें भी हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के आगे ग्रूम करना चाहिए? जी हमें देखें कि जो इकोनॉमिकली इस वक्त हमारे हालात चल रहे हैं तो फिर तो हमें उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए, लेकिन अगर हम देखें कि जो भारत है वो हमारा पड़ोसी दुश्मन है, हम उसके साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकते, लेकिन जब हमारी बात मफाद की आएगी तो हम जारी बात है उनके साथ ट्रेड, तो हम मुनाफिक हुए। जारी बात है, यहाँ पर सब कुछ चलता है, मतलब मुसलमान है और मुनाफिक भी है। हाँ दोनों चीजें हो गई है बस। मतलब हमने स्टेटमेंट देखी है कि अभी अगर हम बात करें कि अपना मुफाद आएगा, हमें पैसा चाहिए, तो हम तो फिर किसी को भी मानना शुरू कर देंगे, जिसका हमें कहा इसराइल नहीं मानना उसको भी हम मानेंगे। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रही, क्योंकि जो हमारे बड़े हैं वो इस वक्त बस ये देख रहे हैं कि हमारा किस चीज में मुफाद है बस। मतलब आने वाले टाइम के अंदर हम किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बना सकते, मुफाद के सत्ता खदी चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, एग्री। देख लें आप एक स्टूडेंट जो आने वाले टाइम का जर्नलिस्ट है, उसकी सोच क्या बनी हुई है कि भाई ये हमारे पाकिस्तान में चल रहा है ऐसे, और चलता है और चलता रहेगा। आपकी क्या राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, उसके बारे में क्या जानते हो? उसके बारे में जानता हूँ। क्या जानते हो? उसके बारे में यही जानते हैं कि अभी देखें वो चांद पर पहुंचे हैं सबसे पहले, उसके बाद G20 मीटिंग हुई है, उसके बाद आप देखें इकोनॉमिकली उनका स्टेटस सबसे हाई हो चुका है, उसके अलावा आप उनकी इंडस्ट्रीज देखें, गूगल देखें, और इस तरह अमेजोन में, इस तरह के आईटी की फील्ड्स में, हर फील्ड में वो डे बाय डे तरक्की करते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, नो डाउट, इसे डिनाई नहीं कर सकते। मुझे ये बताओ कि क्या वजूहत है उनके लीडर इतने ज्यादा पॉपुलैरिटी ले आए हैं कुछ ही चंद ही सालों में, क्या वजूहत है? दो दिन बाद उनके होने वाली बर्थडे को अभी से दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, हर मुल्क के जो लोग हैं कॉमन पर्सन वो उनको सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, इवन वो
विशेष दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, क्या वजूहत है? उसकी मेन रीज़न यही है कि उनके मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज़ में मतलब कि जिस तरह की लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अख्तलाफात, वो नहीं है। अब देख लें पिछले कई सालों से उनके एक ही वज़ीर आज़म आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी। वो एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं, उनका इतना हाई किस्म का स्टेटस है, अब ये चेक करें। उसके बाद वो उनके अंदर लीडरशिप है, वो एक तो उनका लीडर जो है वो लीड करना जानता है और बाकी जो है वो उनको फॉलो करना जानते हैं। सबसे मेन रीज़न यही है, जब आपके फॉलोअर्स आपको अच्छे तरह फॉलो करें, आपकी हर बात को जी के साथ जी मिलाएं, तो फिर आपको आउटपुट अच्छा मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्या वजूहत है कि पाकिस्तान के तरीक कभी भी किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ इतना अच्छा हमारा रवैया नहीं रहा, ना ही दुनिया में सराहती है? इसकी मेन रीज़न यही है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं डे बाई डे। अब आप देखें जो भी नया वज़ीर आज़म आता है उसके सारी पार्टीज एक इत्तेहाद कर लेती हैं उसके खिलाफ और उसको फिर गिराने की कोशिश कर देती हैं। सबसे बड़ी मेन रीज़न ही यही है, इसको जब तक हम ख़त्म नहीं कर सकते तब तक हम कोई अच्छा आउटपुट की उम्मीद नहीं रख सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या लगता है कि हम तो उन्हें कहते हैं कसाई, बुचर ऑफ गुजरात और पता नहीं क्या क्या हम उन्हें कहते रहते हैं, मतलब गलत मलत के हिंदू है, हिंदू इतवा पे चल रहे हैं, हिंदुइज्म पे चल रहे हैं, क्या आपको लगता है मुसलमानों के राइट्स हैं वहाँ पे? नहीं, ये बात तो गलत है, मुसलमानों को वहाँ हकूक नहीं दिए जाते हैं। आप देखें हर 6 माह बाद, साल बाद कोई ना कोई ऐसा वाक़ हमें देखने को मिलता है भारत में कि वहाँ मस्जिद शहीद कर दी गई है या इस तरह का कोई वाक़ हुआ है। अभी देखें लास्ट टाइम हिंदुओं ने ऐलान किया था ईद उल अज़हा के मौके पर कि भाई मुसलमानों का जहाँ भी हमने जानवर ज़िबह करते हुए नजर आएंगे तो हम उनको वहीं कत्ले आम करेंगे। तो सबसे देखें ये इससे बढ़कर और क्या बताया, ये सब कुछ सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अच्छाई भी और बुराई भी है, क्या हम बुराई फॉलो करेंगे? बताओ। नहीं, आप ये आपको लगता है कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी में फर्स्ट पॉपुलेशन और मुस्लिम हमसे ज्यादा वहाँ पर, दुनिया के मुस्लिम लीडर्स वहाँ जा रहे हैं, एमयू जा रहे हैं, एमयू मुंह उठा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या उन्हें मुसलमानों के ऊपर होता हुआ जुल्म ही नजर आ रहा है? और अगर मुसलमान इतने ही तंग है वहाँ पर, होता होगा, एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होता है, लेकिन अगर सारे मुसलमान इतना ही तंग है तो क्यों माइग्रेट करके यहाँ नहीं आए? हिंदुओं की पॉपुलेशन यहाँ से कम हुई, क्या मुसलमानों की वहाँ से कम हुई, बढ़ती जा रही है? सब मुसलमान वहाँ डिस्टर्ब नहीं है, ऐसे एरियाज में वो डिस्टर्ब है जहाँ पर उनकी पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे उनके वो हकूक उनके सल्व कर लिए जाते हैं। बाकी आप देखें डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया के हैं, तो देखें अब वो जब भी बाहर निकलते हैं इतनी सिक्योरिटी उनके वजीर आजम की नहीं होती जितनी सिक्योरिटी उनकी होती है, वो भी तो मुस्लिम लीडर है। बात यह है कि जहाँ पर थोड़े मुसलमान है वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट ज्यादा है। मुझे बताएं यहाँ पर हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हैं हम? जलावाला का वाकया, सियालकोट का वाकया, कराची का मंदिर, चर्च, क्या कुछ नहीं किया हमने? ये पाकिस्तान में मौजूद जितने भी शिद्दत पसंद लोग हैं ये वो करते हैं, बाकी कुछ अच्छे लोग भी पाकिस्तान में मौजूद।